नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 20th जनवरी 2024 सैटरडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। आइए देखते हैं कि ये जो वीक गया है फ्रॉम योर 15th जनवरी टू 19th ऑफ जनवरी, तो इस ड्यूरिंग द वीक करेंसी पेयर्स कैसे परफॉर्म किए हैं एंड नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मंडे ऑनवर्ड्स यानी 15th ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स जो एक्टिविटी हुआ है, मंडे में आपका डॉलर इंडेक्स का जो लो था वो था आपका 102.31 एंड ड्यूरिंग द वीक जो हाई मारा है वो है आपका 103.69 एंड फ्राइडे को जो क्लोजिंग दिया हुआ है वो है आपका 103.23। यहाँ पे अगर वीकली कैंडल को हम देखेंगे, इट्स ए ग्रीन कलर बुलिश कैंडल, बट द प्राइस रिजेक्शंस एट द हायर एंड और द एट द अपर एंड मेक्स इट लेस बुलिश। तो यहाँ पे आरएसआई डेली आफ्टर मींस टर्निंग डाउन फ्रॉम अबोव 60 टू बिलो 60। अगर डेली चार्ट में अगर हम ट्रेंड लाइन एक डालेंगे यहाँ पे कनेक्टिंग द दीज टू लोज, इन सच ए केस क्या हो सकता है इसके अगर डॉलर इंडेक्स को सॉफ्ट होना है इन सच ए केस इस ट्रेंड लाइन के नीचे मंडे ऑनवर्ड्स क्लोज देना पड़ेगा। ये हो गया इन केस डॉलर इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू वीकन फर्दर। लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स को स्ट्रॉन्ग होना है इन सच ए केस, अगर ऊपर जाते हैं इन सच ए केस, डॉलर इंडेक्स का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 104.00 से 104.20 का अपर रेंज। ऊपर का बॉटम हो गया, अगर इसको नीचे आना है इन सच ए केस, इस ट्रेंडलाइन सपोर्ट को तोड़ना है नेक्स्ट वीक में मंडे ऑनवर्ड्स एनी डेली बेसिस में, एक तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देना है, दूसरा वाला नेक्स्ट डे उस लो क्लोज के नीचे सस्टेन करना है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर फ्यू आवर्स एट लीस्ट। इन सच ए केस डॉलर इंडेक्स विल स्टार्ट डेप्रिशिएटिंग मींस वीकनिंग अगेंस्ट द अदर सिक्स करेंसी पेयर्स। इन दैट केस व्हाट विल बी आवर प्रोबेबल सपोर्ट लेवल, आवर प्रोबेबल सपोर्ट लेवल इज एक्सपेक्टेड टू बी 102.10 से 102.30 लेवल्स। ब्रॉडर रेंज में आपका डॉलर इंडेक्स यहाँ पे आपका इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस मारने का प्रोबेबिलिटी है विच इज नथिंग बट 104.25 एंड नीचे के तरफ ये एक सपोर्ट लेवल है दैट मींस विच इज नथिंग बट योर 100.70 से 101.00 लेवल पे। जब तक इस रेंज के अंदर में है तब तक डॉलर इंडेक्स बोथ साइड में प्रोबेबिलिटी मींस बिहेव करने का प्रोबेबिलिटी है, एक बार आइदर साइड ब्रेकआउट करते हैं अगर मींस डॉलर इंडेक्स को अगर फर्दर स्ट्रॉन्ग होना है तो इस रेजिस्टेंस जोन को ये ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ये हो गया आपका डॉलर इंडेक्स। डॉलर रूपी का जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 83.10 लेवल पे। अगर हम वीकली कैंडल को देखेंगे, वीकली एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया हुआ है व्हिच इज एग्जैक्टली मिररिंग द प्रीवियस वीक कैंडल, यानी प्रीवियस वीक का जो आपका 8 जनवरी ऑनवर्ड्स का जो वीक है उस वीक का जो रेड कैंडल है या नेगेटिव कैंडल है उस नेगेटिव कैंडल को एग्जैक्टली मिरर इन किया है एक करंट वीक में। व्हाट इट मींस, यहाँ पे जो बायर्स एंड सेलर्स बिकम न्यूट्रल वीकली पर्सपेक्टिव में दीज टू कैंडल्स, व्हाट इट सिग्निफाइज दैट आपका बायर्स एंड द सेलर्स बिकम न्यूट्रल। अभी एक ट्रेंडेड मूव के लिए आइदर इसके लो के नीचे जाना है व्हिच इज नथिंग बट 82.7580 लेवल, अगर रुपी को फर्दर एप्रिशिएट करना है, अगर फर्दर डेप्रिशिएट करना है तो ये जो दो वीक का जो हाई है दैट मींस 83.20 से 83.25 उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। जब तक नहीं करते इसी रेंज के अंदर में डॉलर रुपी ट्रेड करना चाहिए। इन सच ए केस आपको ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड कैसे लेना है, हायर एंड पे आप
अपना सेलिंग जो स्ट्रेटेजी है उसको देख सकते हो, लोअर लेवल पर आपका जो बाइंग स्ट्रेटेजी है उसको देख सकते हो। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स में आपको जो लगता है कि जो लेवल को ब्रीच नहीं करना चाहिए, सपोज 82.75 का लेवल नीचे की तरफ नेक्स्ट फ्राइडे तक यानी नेक्स्ट वीक का क्लोजिंग 82.75 के नीचे नहीं जाना चाहिए, इन सच केस 82.75 का पीई आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 82.20 अगर ब्रेक करता है तो इधर ऊपर 30-35 तक जा सकते हैं, बट क्या आपको लगता है 83.3750 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो ब्रीच नहीं होगा, इन सच केस 83.3750 का सीई को आप ऑप्शन को राइट कर सकते हो, तो एंजॉय द प्रीमियम। ये हो गया ऑप्शन साइड से। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 1.2700। ये एक डोजी और स्पिनिंग टाइप, स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ है जहां पे प्राइस रिजेक्शन एट बोथ साइड्स। दैट मीन द केस आप अगर बिफोर गोइंग टू द डेली चार्ट, यहाँ पे आप देखोगे RSI इज ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 60 एंड टर्निंग डाउन। जैसे ये धीरे धीरे टर्निंग होगा तो जीबीपी डॉलर में थोड़ा सा मींस जीबीपी आपका फर्दर डेप्रिशिएट थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन क्या लेवल तक होगा या कहाँ से होगा उसके लिए हमको ये डेली एनालिसिस पे आना है। डेली अगर आप एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपका 28 दिसंबर का हाई और इधर आपका है आपका 2 जनवरी का लो। दिस टू लेवल्स बिकम द पिवट वन। पिवट का मतलब इंपॉर्टेंट लेवल्स। इंपॉर्टेंट लेवल्स, इसके अगर ट्रेंडेड मूव करना है तो इसके हाई के ऊपर जाना है यानी 1.2850 के ऊपर सस्टेन करना है, देन एंड ओनली देन वी कैन थिंक अबाउट फर्दर मोमेंटम इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर इसको डेप्रिशिएट करना है जीबीपी को, इन सच के 2 जनवरी का जो लो है विच इज नथिंग बट 1.26, उसके नीचे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते। ये हो गया दो साइड। तीसरा साइड अंदर में यानी इस दो रेंज के अंदर में दोनों तरफ आपका ऊपर भी जाने का प्रोबेबिलिटीज है, यानी आप इंट्राडे में बोथ साइड प्ले कर सकते हो एज पर योर ट्रेडिंग सिस्टम। अभी फ्राइडे का जो एक कैंडल बनाया हुआ है वो है एक स्पिनिंग टॉप टाइप, तो इसके हाई के ऊपर हल्का सा बुलिशनेस ऑन ए डेली टाइम फ्रेम होगा। जीबीपी आईएनआर का जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 105.54। कैंडल कौन सा बनाया, एक पिन बार बनाया हुआ है, पिन बार ऑन द हायर एंड, सो इट मींस अगर एट द बॉटम होता तो बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बन जाते। RSI ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 60 एंड ट्राइंग टू कम डाउन बिलो, सो इसका मतलब ये जो जोन है ऑन द हायर एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर हम डेली चार्ट को देखने का प्रयास करेंगे तो आपका वही 28 दिसंबर का हाई एंड आपका नीचे की तरफ ये सेकंड नहीं आपका इस वाला लेना पड़ेगा मुझे 17 जनवरी के लो। दिस टू बिकम्स इंपॉर्टेंट पिवट लेवल्स। अगर मोमेंटम करना है ऑन द हायर साइड तो इसके हाई ऊपर जाना होगा, अगर नीचे की तरफ मोमेंटम करना है तो इसके लो के नीचे जाना पड़ेगा। ये हो गया दो सिनेरियो। व्हाट अबाउट द थर्ड सिनेरियो, इसके अंदर में रहेगा तो क्या होगा। इसके अंदर में रहेगा, इन सच केस प्राइस जो है दोनों तरफ चौपी बिहेव करेंगे, चौपी बिहेवियर रहेगा बोथ साइड में, तो आपके हिसाब से आप सेलिंग स्ट्रेटेजी भी लगा सकते हैं ऑन हायर साइड एंड लोअर साइड में बाइंग स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। अभी आते हैं हम यूरो डॉलर। यूरो डॉलर का जो कैंडल बनाया हुआ है वीकली क्लोज दिया हुआ है 1.0897। ड्यूरिंग द वीक मंडे को ये हाई था, हाई मारा था आपका 1.0967 एंड वहां से मेजर सेलिंग देखा गया एंड 17 जनवरी ड्यूरिंग द वीक जो लो मारा है वो है आपका 1.0845। उसके बाद क्लोजिंग दिया ये 1.0897। वीकली पे एक रेड कैंडल बनाया हुआ है यानी नेगेटिव कैंडल बट प्राइस रिजेक्शन एट द लोअर एंड, RSI टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60 एंड कमिंग डाउन। डेली प्राइस एक्शन को अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था जिसको यहाँ पे आपका 16 जनवरी को ब्रेकडाउन किया नीचे की तरफ, ब्रेकडाउन करने के बाद फॉलो थ्रू नहीं मिला, यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। यहाँ पे अगर टाइम पास कर रहे हैं
बट नेक्स्ट, उसके बाद ये जो दो दिन 17th एंड 18th का लो है, इसके लो के नीचे फर्दर सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ये आपका 18th जनवरी का हाई के ऊपर, 18th जनवरी का हाई है आपका 110907, इसके हाई के ऊपर एक रेजिस्ट आप मूव देख सकते हैं जो ये ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट कर सकता है, मे बी टुवर्ड्स 110975। यूरो आयनर, यूरो आयनर वीकली जो क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 90.57। कैंडल जो बनाया हुआ है एक आपका हैमर टाइप ऑफ कैंडल, रेड इन कलर बट न्यूट्रल इन नेचर। अभी RSI टेकिंग रेजिस्टेंस अराउंड 64-65 एंड नाउ इट इज 54, सो नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहे हैं। अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था जिसके नीचे आपका 12 जनवरी को ब्रेक दिया, उसके बाद सस्टेन किया, लेकिन यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल था कौन सा था, 90.4060, वहां पे टाइम पास कर रहे। अभी जैसे ही आपका 17th जनवरी के लो को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, इन सच केस वी मे एक्सपेक्ट यूरो डॉलर यूरो आईएनआर टू टेस्ट टुवर्ड्स 89.60 टू 89.70। अभी आते हैं डॉलर येन, डॉलर येन का जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 148.17। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। यहाँ पे पहले एक ट्रेंडलाइन सपोर्ट था जिसको ब्रेक डाउन करने के बाद 4 weeks सेल ऑफ देखा गया, अभी फिर 3 हफ्ते में ये बाउंस बैक किया। सो ये जो ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट था, इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। अभी आते हैं आपका RSI, वीकली RSI एट 57.82, सो वीकली RSI एट 60 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। सो इस लेवल पे करेंटली जहां पे प्राइस है, यानी आपका 148 से आपका 149.50 के बीच में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वन मोर अप्रोच, हम अगर यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालेंगे तो ये 78.6% का जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 149.50। सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके धनाधन सेल कर दें। सेल अभी नहीं करेंगे, हमें कॉन्फर्मेशन कैंडल चाहिए, प्राइस सेक्शन में कॉन्फर्मेशन चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस सेक्शन में एम पैटर्न मिलते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ एम पैटर्न, एक जबरदस्त ऊपर गया, थोड़ा सा डीप डाउन करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास करेगा, फिर लो को तोड़ेगा, इन सच केस यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है डॉलर येन पे। रेजिस्टेंस RSI 60, Fibonacci retracements and also previous resistance at 149.50 के आसपास। So इस area पे, यानी 148 से 149.50 area पे कहीं पर भी हमें resistance मिल सकता है। Most probability is around 149.50 के आसपास। Price action के लिए हमें इंतजार करना है। एक बार अगर हमें price action मिल जाते हैं, उसके बाद हमें selling के लिए opportunity ढूंढना है। So यहाँ पे yen पे, डॉलर येन पे हमें सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज को तलाशना है। अभी आते हैं येन आईएनआर, अगर डॉलर येन पे सेलिंग के लिए तलाशना है तो हमें येन आईएनआर पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। नथिंग न्यू, कोई बड़ा सा मींस इनोवेटिव आइडियाज नहीं है, जस्ट इनवर्ट्स है और कुछ नहीं। रूपी के साथ आपका सिंथेटिक कैलकुलेशन करोगे, सिंथेटिक रेट वही आता है, इसके लिए डॉलर येन नीचे जाएगा तो येन आईएनआर ऊपर आएगा। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। अभी येन आईएनआर का जो वीकली कैंडल क्लोज दिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कैंडल दिया हुआ है, जिसका प्रोबेबल सपोर्ट हो सकता है 54.75 से 55.00 के बीच में। अभी लेकिन आप अगर RSI को देखने का प्रयास करोगे, वीकली RSI अप्रोचिंग 40 फ्रॉम अबोव, so 40 is expected to act as a support। ये हो गया आपका RSI। अभी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे लो एंड हाई का, तो यहाँ पे देखेंगे 78.6% का जो लेवल है 55.6070, ये लेवल पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ये हो गया वीकली पे। अब डेली पे देखेंगे कितना अच्छा बढ़िया सा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देगा।
एंड डॉलर येन पे हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है. सो येन आईएनआर पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है. दैट बीइंग द केस, कैसे ढूंढी बाइंग अपॉर्चुनिटी, उसके लिए हमें डब्ल्यू पैटर्न ढूंढना है. पहले ये थोड़ा बाउंस बैक करेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा या पूरा ही नीचे आएगा, फिर ये हाई को, स्विंग हाई को तोड़ेगा. इन सच केस यहाँ पे हमारा बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगा. सो हमें अगर बाई करना है, क्योंकि मार्केट इज इन सेलिंग ट्रेंड, कहां से कहां तक आ गया, 59 से 56, 3 रुपीज का एक सेलिंग देखा मिला हमें, एक ट्रेंडेड मूव. तो अभी यहाँ पे हम बाई इमीडिएटली नहीं कर सकते, हमें बाइंग के लिए कॉन्फर्मेशन चाहिए. इन दिस केस डब्ल्यू पैटर्न कॉन्फर्मेशन रिक्वायर्ड. डॉलर कैंडी, डॉलर कैंडी जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 1.3427. प्राइस गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द हाई ऑफ 135.40. काफी प्राइस रिजेक्शन आया हुआ है. और आरएसआई देखेंगे साइडवाइज है 47.26. वो दोनों तरफ मूवमेंट करने का प्रोबेबिलिटीज है, लेकिन अगर हम देखेंगे प्राइस जो नीचे से 1.31700 लेवल से जो अप मूव किया टूवर्ड्स 1.3550, यहाँ पे आने के बाद ये नीचे, ये लेवल का स्पेशलिटी क्या है, ये लेवल का जो स्पेशलिटी है 20 पीरियड मूविंग एवरेज और नथिंग बट द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड. कौन सा वाला का बात कर रहा हूँ, ये काले ब्लैक कलर का जो लाइन है उसका मैं बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पे ये सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड, ये बोलिंजर बैंड फर्स्ट एक रेजिस्टेंस के तरह प्रोबेबिलिटीज होता है एंड वहीं पे जाके प्राइस रिजेक्शन किया है. अभी यहाँ पे व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढना है. दैट बीइंग द केस हम इसको ड्रिल डाउन करते हैं डेली प्राइस एक्शन में. डेली पे क्या देखेंगे, टुक रेजिस्टेंस एट 60 एंड कमिंग डाउन करंटली 49.98. तो प्राइस एक्शन के हिसाब से इसको कैसे ट्रेड लेना है, ये यहां से यहां तक आया, अभी एक अप मूव के बाद नीचे आना चाहिए, यानी दे आर बाय मेकिंग एन एम पैटर्न. तो इसके लो के नीचे हमें एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है डॉलर कैंडी पे, ठीक है. ऑसी डॉलर, ऑसी डॉलर का जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 0.6595 पे. यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेके दो दिन थर्सडे एंड फ्राइडे को बैक टू बैक ऊपर पुल बैक करने का प्रयास किया है. वीकली कैंडल को अगर हम देखेंगे इट्स ए नेगेटिव कैंडल बट प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड. आरएसआई 60 के नजदीक रेजिस्टेंस लेके नीचे आया हुआ है करेंटली 50.17. वीकली आरएसआई एट 50 मींस प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्राइस गेटिंग ट्रेडेड ऑन बोथ साइड, दोनों ऊपर की तरफ भी जाने का पावर है, स्ट्रेंथ हो सकता है एंड नीचे की तरफ आने का भी स्ट्रेंथ हो सकता है. दिस इज एज पर द वीकली आरएसआई लोकेशन. अभी आते हैं डेली चार्ट पे. डेली चार्ट पे आप देखोगे कहां से कहां तक आया, 0.6850 लेवल से 0.6550 लेवल तक, 3 रुपी का मींस 300 बिगेस्ट का एक डाउनफॉल देखा गया, ट्रेंडेड मूव. तो यहाँ पे डायरेक्टली बाई नहीं कर सकते. बाई अगर करना है तो ये जो हमारा सेलिंग आया उसके बाद पुल बैक, ऑलरेडी एक पुल बैक दिया, उसके बाद हमें एक नीचे की तरफ सेलिंग चाहिए, फिर ये इस हाई को तोड़ना चाहिए, देयर बाय मेकिंग ए डब्ल्यू पैटर्न. इन सच ए केस इसके हाई के ऊपर हमें बाई करने का अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है. अभी कल मंडे के दिन, मंडे हमारा मार्केट बंद है लेकिन ग्लोबल मार्केट खुला है. सो इसके हाई के ऊपर इमीडिएटली बाई नहीं करना, हमें ऐसा एक पुल बैक चाहिए, सेलिंग, फर्दर सेलिंग, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ आपको मूव या वहां पे आपका नेकलाइन को जब तोड़ेगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं. अभी आते हैं सीएनएच. सीएनएच का जो प्राइस एक्शन है, पहला है कि वीकली क्लोज एट 7.195, दूसरा वाला है ये जो आपका 7.20 बिकेम एन इम्पोर्टेंट लेवल. तो वहां पे रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके फिर 7.20 के नीचे क्लोज दिया हुआ है. इट्स ए ग्रीन कलर कैंडल, आप बोलोगे कि बुलिशनेस है, लेकिन बुलिशनेस है नहीं क्योंकि प्राइस रिजेक्शन ऊपर की तरफ, अपर विक्स काफी शार्प है, यानी प्राइस काफी जबरदस्त ये हुआ, क्या हुआ, रिजेक्शन. अभी डेली में अगर हम देखेंगे आरएसआई टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60 एंड कमिंग डाउन, दैट बीइंग द केस यहाँ पे हमें एक एम पैटर्न का एक्सपेक्टेशन है. अगर सीएनएच पे सेलिंग मींस सीएनएच को अप्रिशिएट होना है, ऐसा ये सेलिंग आया फिर थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा फिर लो को तोड़ेगा. इन सच केस एक एम पैटर्न में इसको सेलिंग के लिए ढूंढना है.
अगर बाइंग के लिए ढूंढना है तो ये जो तीन बैक टू बैक कैंडल आया, पहला डोज ये, फिर दो रेड कैंडल्स, यहाँ का जो स्विंग हाई है उसके हाई के ऊपर देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि सीएनएच में मूव टुवर्ड्स 7.25 एज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, देन 7.2870 एज द सेकंड रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका सीएनएच। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड फ्यूचर। ब्रेंट क्रूड का जो फ्यूचर वीकली क्लोज दिया है 79.06, ये जो कैंडल बनाया हुआ है सम सॉर्ट ऑफ एक मींस इट्स ऑल्दो द कलर इज रेड बट इट्स अ बुलिश इन नेचर क्योंकि प्राइस रिएक्शंस काफी नीचे से आया है। तो डेली चार्ट में और थोड़ा ड्रिल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे दो दिन है, एक दिन है 27 दिसंबर, दूसरा दिन है आपका 13 दिसंबर। ये इसका 13 दिसंबर का लो एंड 27 दिसंबर का हाई बिकम्स द पिवट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट जोन। प्राइस को अगर मोमेंटम ट्रेंडेड मूव में मोमेंटम करना है इन सच केस, अगर ऊपर जाना है तो पहले इसके हाई के ऊपर जाना पड़ेगा, अगर इसको नीचे जाना है तो इसके नीचे जाना पड़ेगा। ये हो गया दो ऑप्शंस। व्हाट अबाउट द थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शंस के लिए ये विद इन द रेंज, ये दोनों के बीच में जो रेंज में दोनों तरफ दिना दिन दा, यानी कभी धराम करके बाइंग होगा, कभी धराम करके सेलिंग होगा। सो काफी वोलेटाइल चॉपी बिहेवियर्स यहाँ पे देखेंगे इन दिस रेंज के अंदर में। अगर ट्रेंडेड मूव देखना है तो इसके ऊपर जाना पड़ेगा। ये हो गया ब्रेंट क्रूड का एनालिसिस। अभी आते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी वीकली जो क्लोज दिया हुआ है 4.126, यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक का क्या बोलते हैं उसको डब्ल्यू पैटर्न दिया हुआ है, जिसके कारण ये यहाँ पे और अप ट्रेंड जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज। आरएसआई वीकली आरएसआई आल्सो टुक सपोर्ट एट 40 एंड नाउ ग्रेजुअली गोइंग हायर। दैट मींस दैट इज व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में हमें करना है तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था जो ब्रेक डाउन करने के बाद नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। दैट मींस द केस यहाँ पे इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है। सो 4.24 से 4. आपका 30 के लेवल इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ए गुड रेजिस्टेंस लेवल। और अगर हमें डेली प्राइस एक्शन 10 ईयर का देखना है तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड पिनवर बनाया हुआ है। अगर मंडे के दिन में एक फर्दर नेगेटिव कैंडल बनते हैं समथिंग लाइक दिस, एक फर्दर नेगेटिव कैंडल बनते हैं इन सच ए केस इट विल बिकम ए मॉर्निंग सॉरी इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार मींस इन दैट केस यूएस 10 ईयर ट्रेजरी काफी वीक हो जाएगा। ये हो गया सेलिंग के लिए। बाइंग के लिए क्या है, ये जो इन्वर्टेड पिन बार बना है उसके हाई के ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट हमें मिल सकता है व्हिच मे टेक यूएस 10 ईयर ट्रेजरी टुवर्ड्स 4.25 से 4.30 लेवल। अभी आते हैं यूएस 2 ईयर ट्रेजरी जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 4.389। यहाँ पे प्राइस एक्शन को आप देखोगे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ है। अब बोलोगे कि इधर डब्ल्यू कुछ तो दिखता ही नहीं है, ये हो गया आपका डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू पैटर्न का मतलब क्या है, ये बॉटमिंग आउट पैटर्न से, तो बॉटमिंग आउट में ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकता है, यानी फॉर ए शॉर्टर टाइम पीरियड और फर्दर अप मूव मींस रिट्रेसमेंट ये थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट के लिए क्या प्रोबेबल रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है आपका 4.45 से 4.47 का इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। इसके ऊपर फर्दर कंटिन्यू करते हैं कुछ कारणवश डेटा अगर खराब आते हैं इन यूएस डेटा आई वांट टू मीन, तो ये नेक्स्ट लेवल जो हो सकता है 4.72 का हो सकते हैं। ये हो गया आपका यूएस 2 ईयर ट्रेजरी। अगर इसको फर्दर वीक होना है तो क्या होगा, डेली पे एक एम पैटर्न बनाना, ऐसा आया फिर नीचे आएगा फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ, यानी देयर बाय इट विल ट्राई टू मेक एन एम पैटर्न। अगर होते हैं डेली चार्ट में इन सच केस यूएस 2 ईयर ट्रेजरी सॉफ्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया कि मंडे ऑनवर्ड्स क्या हो सकता। तो डॉलर इंडेक्स का क्या है, डॉलर इंडेक्स आप अगर ब्रॉडर सेंस में देखोगे तो इस दो एरिया पे अटके हुए हैं, ऊपर में आपका 104 से 104.50 का एंड नीचे की तरफ 100.70 से 101.00 के बीच में लटके हुए हैं। इसी के बीच में दोनों तरफ
मूवमेंट यानी वॉलेटाइल चॉपी बिहेवियर कर सकते हैं। अगर जीबीपी डॉलर को देखेंगे, जीबीपी डॉलर भी एक पिवट के अंदर में अटके हुए हैं। कौन सा पिवट? ऊपर की तरफ 7.12850 का, नीचे की तरफ 1.2600 का, इसके बीच में वॉलेटाइल चॉपी शार्प मूवमेंट एक्सपेक्टेड होगा जब तक आइदर से ब्रेकआउट नहीं होते हैं। यूरो डॉलर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज को ब्रेकआउट किया हुआ है, लेकिन अभी हमारा ये एक सपोर्ट बन गया है। कौन सा? 1.0740 से 1.0780 का एक सपोर्ट बन गया है इसके, और ऊपर की तरफ ये हो गया आपका रेजिस्टेंस 1.1110 से 1.1140 का। जब तक इस रेंज के अंदर में रहते हैं वो दोनों साइड में चौपी बिहेवियर कर सकते हैं। एक बार ब्रेक आइदर साइड ब्रेकआउट होगा उसके बाद हमें ट्रेंडेड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलरियन का क्या एनालिसिस था? हमारे पास इमीडिएट जो मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है 149.50 इन वन एस्पेक्ट, क्या क्या एस्पेक्ट के साथ? आरएसआई टेकिंग रेजिस्टेंस, वीकली आरएसआई टेकिंग रेजिस्टेंस ऑफ 60, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे 78.6% का रिट्रेसमेंट लेवल इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। ये जो ब्लू कलर का 149.40 के आसपास यहाँ पे हमें एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। बेसिकली आपको अगर गलती से 149.50 के आसपास लेवल मिल जाते हैं 100 पिप्स का स्टॉप रखिए, शॉर्ट कर सकते हैं, यानी 149.50 के आसपास आप बेचोगे, 150.50 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 100 पिप्स का स्टॉप लॉस एंड 1:3 यानी 300 पिप्स का, 149.5 सो 146 हाफ का आपका एक टारगेट, पहला 1:3 का हो गया। एंड उसके बाद फिर फर्दर आप देख सकते हैं 141 यानी 8.5 बीजी का एक देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सेटअप बन रहा है ना खतरनाक, लेकिन अभी कंफर्मेशन से कंफर्मेशन का जरूरत है। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विशिंग यू ऑल हैप्पी वीकेंड, जस्ट टेक रिलैक्स। एंड मंडे ऑनवर्स, मंडे तो हमारा इंडियन मार्केट छुट्टी है, सो ट्यूजडे ऑनवर्स फिर मार्केट ऑफिस। थैंक यू एंड